मौजूद है, कुरान अलमारी में मौजूद है, फिर भी मोबाइल पर कुरान पढ़ रहे हैं, क्या ये ठीक है? जायज़ है, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, ज़बानी जब पढ़ सकते हैं, कुरान सामने रखा हुआ है लेकिन आप ज़बानी पढ़ रहे हो तो मोबाइल पे क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन सवाब है ज़्यादा मुसहफ़ में पढ़ें, उसकी अलग बरकत होती है। जितना प्रोटोकॉल देंगे कुरान को उसकी उतनी बरकतें ज़्यादा होंगी। लेट के तिलावत भी जायज़ है ना, लेकिन बैठ के करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। बग़ैर वज़ू के भी जायज़ है, वज़ू करके करेंगे तो और ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो बग़ैर मुसहफ़ के ज़बानी भी पढ़ सकते हैं लेकिन कुरान सामने रखेंगे तो और ज्यादा उसकी अहमियत होगी और आपके दिल में भी उसकी इज्जत बैठेगी। देखो दीन में ना अपने मिजाज को मत दाखिल किया करो। बाज दफा इंसान ना के ऊपर कोई उसका अपना दिल चाह रहा होता है कि ऐसा होना चाहिए, ये देखो शरीयत में क्या है। अब जब मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज है तो जायज है ना, इसमें क्या है? हाँ बेहतर है पढ़ लो। तो बाज लोगों को ये होता है मोबाइल कुरान सामने रखा है मोबाइल में पढ़ रहा है तो क्या हो गया इसमें? बहुत सारी चीजें हम दिन में ना लोगों से वास्ता पड़ता है हमारा, तो वो बुरी चीज नहीं होती लेकिन आपका एक खास मयार बन चुका होता है तो आपको बुरी लग रही होती है वो।